माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने फर्स्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन किया था, आज सेकंड स्टेंजा को एक्सप्लेन करूंगा। हूज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र भावनाएं, पैशंस मींस एक्सट्रीम डिजायर्स, जिसकी तीव्र भावनाएं उसकी स्वामिनी नहीं होती, बल्कि वह स्वयं उन तीव्र भावनाओं का एकमात्र स्वामी होता है। इट मीन्स टू से दैट सच पर्सन इज नॉट अंडर कंट्रोल ओवर स्ट्रांग डिजायर्स, बट ही हिमसेल्फ इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डिजायर्स। हूज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। कहने का मतलब है, इट मीन्स टू से दैट सच पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू डाई, बिकॉज मैन इज मॉर्टल, डेथ मे कम एट एनी मोमेंट। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, ऐसे व्यक्ति के लिए सांसारिक बंधन ढीले रहते हैं। इट मीन्स टू से सच पर्सन डज नॉट लीस्ट केयर फॉर द वर्ल्डली केयर, and such person does not care the princely love or vulgar greed। princely love का मतलब है राजकुमार जैसे व्यक्ति का प्रेम, अथवा vulgar greed का मतलब है criticism of common people। कहने का मतलब है, ऐसे व्यक्ति के लिए राजकुमार का प्रेम अथवा common people की या public की जो आलोचना है उसकी वह परवाह नहीं करता। फ्रेंड्स के बारे में जैसा पूर्ववत बताया था उसी प्रकार से आपको लिख लेना है। कॉन्टेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखा जाएगा, द पेट कल्टीवेट्स द क्वालिटी ऑफ रियली हैप्पी मैन, ही इज फ्री एंड सेल्फ डिपेंडेंट, ही हैज नो इल विल फॉर एनीबॉडी। एक्सप्लेनेशन आप अपनी ओर से लिख लें।